नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हो छोटे लिंग से परेशान तो यही वीडियो है जो आपकी सभी परेशानी से आपको निजात देगी और बहुत सारे कंफ्यूजन से दूर रखेगी, केमिकल्स वगैरह से बचाव करेगी। ये वीडियो प्लीज इसको अंत तक देखेगा। मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और आज आपको बताऊंगा कि अगर आप छोटे लिंग से परेशान है तो वो आपको कैसे परेशानी दूर रखनी है, क्योंकि आपके माइंड में रह चुका है कि आप अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसको कैसे आप सही कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो अगर आप बना ले घर पर बैठे बैठे तो आपका साइज बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने ऐसे इस पे बहुत सारे मरीजों को भी मैंने ये दवाई दी है, और वैसे तो मैंने सभी को ये बताया है कि ये तेल ऐसे बना लो आप, ठीक, आपको बहुत अच्छा इंक्रीज मिल जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक तो हर किसी व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ऐसा घरेलू नुस्खा आपको और कहीं नहीं मिलना है, मुझे पूरा विश्वास है। तो प्लीज दोस्तों शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बात करता हूं कि आपको जो तेल बनाना है उसमें क्या क्या चाहिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको तिल का तेल चाहिए। तिल का तेल आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, मार्केट से उसके तो ना खरीदें, खुद निकलवा लें तो बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर नहीं निकाल सकते हो तो मार्केट से लेके आइए। कम से कम भी आपको 200 ग्राम तेल लेके आना है, ओके। 200 ग्राम तेल प्लस 50 ग्राम अश्वगंधा की जड़ मिल जाए तो बेटर है, जड़ को अच्छी तरीके से कूटिए, नहीं मिले तो पाउडर से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन अगर जड़ मिले तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, जड़ को अच्छी तरीके से कूटना है, पाउडर मिल जाए तो उसका पाउडर फॉर्म है, पहले तो जो 200 ग्राम तेल है उसका तिल का तेल उसको अच्छी तरीके से कम भी उबलने लग जाए तो आधे घंटे तक उबालिए, ठीक है, 200 ग्राम को कम आंच पर, धीमी आंच पर। फिर उसमें जो जड़ की कूट कर डाला, कूटी हुई जड़े हैं या पाउडर है जो भी है उसको, अश्वगंधा की, उसको उसमें डाल दीजिए और फिर वापिस आधे घंटे तक उबालिए। फिर जो तेल होगा ना वो आप लिंग के ऊपर के हिस्से को छोड़कर, जिसको अपन ग्लास पेनिस कहते हैं, उसके हिस्से को छोड़कर नीचे वाले से जो स्किन है वहां तक वहां लगाइए। आप रियल में 3-4 दिन कुछ दिनों में ही आपको इतना शानदार रिजल्ट मिलेगा, और साथ में एनर्जी, और साथ में आपको कुछ खाना भी होगा। ऐसे नहीं कि ये चीज हर चीज आपको फायदा दे देगी, साथ में एक चीज और लेनी है आपको, कॉच बीच, सुना है आपने, कॉच बीच लेके आना है 200 ग्राम के आसपास, 200 ग्राम ले आओ कोई नहीं, उसको आपको शुद्ध करना है गोमूत्र के गोमूत्र में डालिए और उसको आप 7 दिन तक रखिए, उसको निकाल के अच्छी तरीके से पीस लीजिए। गोमूत्र में इसमें अपने कोंच बीज में 100 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम सतावरी मिलाइए, 10 ग्राम आप इलायची मिलाइए, 10 से 20 जो भी आपकी श्रद्धा हो सके उतना मिलाइए, ये बेस्ट है। और इसको सुबह शाम आधा चम्मच दूध के साथ खाइए और साथ में वो तेल लगाइए। 3 दिन में आपको इतना खतरनाक रिजल्ट मिलेगा ना, आप कोई भी दुनिया के जो फालतू के वीडियो बने हुए हैं कि विक्स लगाओ, वेपोरो लगाओ, वो लगाओ, ये फालतू की चीजों में मत जाइए, और जापानी तेल जैसे ऐसे फालतू चीजों में आप मत पढ़कर इस वीडियो को सीरियसली लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप फाड़ के रख लोगे सब कुछ, मैंने खुद लोगों को ये दिखाया है, देखा है, फाड़ दोगे आप सब कुछ, सच बता रहा हूँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा डॉक्टर मुकुल शर्मा आयुर्वेदा को, जिससे आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी और वीडियोस मिल सके। प्लीज कीप सपोर्ट सब्सक्राइब चैनल।